आपने मंगलसूत्र का नाम सुना होगा। बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगलसूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगलसूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है। जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगलसूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगलसूत्र की डालते हैं ताकि मंगलसूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगलसूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के यानी कि जो नर हैं और नारी हैं दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे यानी मंगल, और सूत्र यहां बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की। काले मतलब काले लोग होते थे, इसलिए काले हैं। और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगलसूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी, तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहें या जीवित रहें। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। वो जो मंगलसूत्र हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता रहूंगा। सबसे पहले जो महामंगलसूत्र है उसके अनुसार, ऐ सेवना चे बालानंग पंडितंग चे सेवना पूजा चे पूजनीय यानंग ऐतंग मंगल मुत्तमंग। ऐ सेवना चे बालानंग, बाल मतलब बोलते हैं मूल को, जो पाप इकट्ठा करता है, अच्छे काम नहीं करता, पुण्य काम नहीं करता, अपना धर्म में नहीं चलता, अधर्मिक होता, उसको बाल बोलते हैं। चे माने और ऐ सेवना का मतलब है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, उसका साथ नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो समझदार नहीं है, जो पाप इकट्ठा कर रहा है, उसका संगति नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं वो पंडितंग चे सेवना,
मतलब पंडितंग चय सेवना, पंडितंग माने जो जानकार हैं, चय माने और सेवन माने उनके साथ रहना चाहिए। पूजा चय पूजनीय यानंग, पूजा चय यानी पूजा करनी चाहिए उनकी जो पूजने के योग्य हैं। एवं ऐतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम हैं, यानी मंगलों में ये उत्तम हैं। तीन यहाँ पर हैं, एक तो मूढ़ों की संगति नहीं करनी चाहिए, एक जानकारों की संगति करनी चाहिए और एक जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूँ कि ये क्या कहा गया है। पहला है महामंगल सूत्र में मूढ़ों की संगति नहीं करनी चाहिए, यानी कि मूढ़ों के साथ में नहीं रहना चाहिए। अब मूढ़ क्या होते हैं? मूढ़ वो होते हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, अधम्मिक होते हैं और आपको हमेशा कष्ट में डालते रहेंगे। या तो आपका सामान बिखेर देंगे, या आपका कहीं कोई नुकसान कराएंगे, या किसी का कहीं नुकसान कराएंगे, आपको पिटवा देंगे, या कहीं से उधार ले आएंगे, या आपके नाम का कुछ खा लेंगे, या आपकी पंखा झलेंगे आप तो आपको पंखा मार देंगे, आप कपड़े धोने के लिए कहेंगे तो आपके कपड़े खराब कर देंगे, आपके झाड़ू करने के लिए कहेंगे तो आपके झाड़ू तोड़ देंगे, खाना बनाने के लिए कहेंगे तो खाना जला देंगे। ये तो हो गई मूर्खों की बात। और जो मूढ़ होता है उसको कहते हैं कि वो पाप कर्म ज्यादा करता है, यानी ऐसे कर्म करेगा जिससे पाप इकट्ठा होता रहता है, उन्हें समझ नहीं होती कि ये पाप कर्म है या ये अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है। तो पाप कर्म में क्या करेंगे, वो शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, हत्या करेंगे या व्यभिचार करेंगे या झूठ बोलेंगे या चोरी करेंगे, ये सारे कर्म वो लगातार करेंगे, तो वो हमेशा आपको कष्ट में डालते रहेंगे। इसलिए उनके साथ ना रहें, बिल्कुल उसको छोड़ दें। इसका आप उदाहरण ऐसे समझें कि आप अगर चोरों के साथ में रहते हैं और बेशक आप चोरी नहीं करते हैं, तो जब वो चोर पकड़े जाएंगे तो आपकी संगति होने कारण पुलिस आपको भी पकड़ के ले जाएगी। फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने चोरी नहीं की, तो पुलिस पूछेगी फिर इनके साथ रहता क्यों था। या शराब पीने वालों के साथ अगर आप रहोगे तो शराब आप ना भी पियोगे तो भी लोग कहेंगे ये शराबी है, और आप मना भी करोगे तो कहेंगे फिर उनके साथ रहता क्यों था। या आप जुआ खेलने वालों के साथ में खड़े होकर सिर्फ देखेंगे कि ये जुआ खेल रहा है और पुलिस आएगी तो आपको पकड़ के ले जाएगी, ये नियम है कि देखने वाले भी पकड़े जाते हैं। या आप अगर हथियारों के साथ जाओगे और आप हत्या नहीं करोगे तो भी आप हत्या में भागीदार माने जाओगे, क्योंकि आपने हत्या होने दी। तो मूढ़ों के साथ अगर आप रहोगे तो कष्ट में रहोगे, इसलिए मूढ़ों की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए, तुरंत। ये पहला मंगल मुत्तमंग है, यानी कि ये पहला उत्तम सूत्र है मंगल का। दूसरा कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, जो पंडित हैं, जानकार हैं, समझदार हैं। तो जो जानकार लोग हैं उनकी अगर संगति करोगे तो वो पैसा कमाएंगे, तो आपको पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा। वो कोई अच्छी बात करेंगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। वो शराब नहीं पियेंगे तो आप अगर पीते होंगे तो छोड़ देंगे। वो अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। वो अगर साफ शुद्ध कपड़े पहनेंगे तो आप साफ शुद्ध कपड़े पहनेंगे। वो अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपको आदत पड़ेगी कि भी हमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो अगर चोरी नहीं करेंगे तो आपका भी चोरी करने का साहस नहीं होगा। वो कहीं किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे तो आप उस अच्छे काम को सीख के आएंगे। इसलिए जानकारों की हमेशा संगति करनी चाहिए, उनके हमेशा साथ रहना चाहिए। तीसरा वो ये कहते हैं कि जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा का जो मतलब है भारत में अभी तो बिगड़ चुका है। पूजा का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, आप उसकी पूजा करनी है तो थाली में आप कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती, पानी और फूल, ये चावल रोली वगैरह लेके आओगे, थाली में उसके चारों तरफ घुमाओगे और फिर घंटा बजाओगे, फिर कुछ उसकी आरती में गाओगे, होगी पूजा। बेसिकली पाली में पूजा का मतलब है ये नहीं है। पाली में जो पूजन शब्द बना है या पूजा बना है वो पूजन से बना है। पूजन का मतलब है पू प्लस जन। पू का मतलब है पावचन और पावचन का मतलब है पावन वचन, और पावन वचन उनको बोलते हैं जो बुद्ध के वचन होते हैं। बुद्ध के सारे ही वचन पावन हैं। बुद्ध का एक भी ऐसा वचन नहीं है, कथन नहीं है जो अपावन हो, जो अपवित्र हो, जो खराब हो। ये कमाल की बात है, बुद्ध के सारे वचनों में एक सिंगल वचन ऐसा नहीं है, एक सिंगल बात ऐसी नहीं बताई उन्होंने जो बैलेंस भी हो, यानी कि जो ना अच्छी हो ना खराब हो, सारी बात ही अच्छी है उनकी, खराब का तो मतलब ही नहीं है। तो पूक माने हैं पावन वचन, उनको बुद्ध का वचन बोला जाता है। और जन माने होता है जानन, यानी जानना। तो पूजन का मतलब है बुद्ध के वचनों को जानना। तो पूजा का मतलब है बुद्ध के वचनों को जानना, समझना और उसको अंगीकार करके जीवन में अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना, उन पर चलना। और पूजनीय कौन हो गए? पूजनीय वो लोग हो गए जो पहले से ही बुद्ध के वचन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो ना चोरी करते हैं, ना जो शराब पीते हैं,
ना व्यभिचार करते हैं, ना नशा करते हैं, ना वो हत्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पांच सील पर चलते हैं वो पूजनीय है, और अगर आठ सील पर चलते हैं तो और ज्यादा पूजनीय है, और अगर वो सारे सीलों पर चलते हैं यानी भिक्कू हैं या भिक्कुनी हैं तो वो तो फिर कमाल के हैं, दर्शनीय हैं, यानी देखने लायक भी हैं और पूजने लायक भी हैं और मानने लायक भी हैं, और उनका दर्शन अच्छा होता है, उनका संग अच्छा होता है। तो ये तीन पहले बार में, पहली गाथा में तीन उन्होंने मंगल मुत्तंग बताए हैं। आपके मंगल सूत्र के तीन मन के ये हैं, यानी कि जब आप मंगल सूत्र पहने तो उसमें अपनी 38 मोती गिन लें, और उनके जो पहला मोती है वो ये है कि आपको बुरे लोगों का साथ छोड़ना है, दूसरी जो मोती है वो ये कहती है कि अच्छे लोगों का साथ करना है, और तीसरा मोती ये कहता है कि आपने जो लोग सच हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, पांच सील का पालन करते हैं, उनके आपने पूजा करनी है, उनकी बात को मानना है। पूजन माने सम्मान भी होता है, यानी कि उनकी बात को सम्मान देना है, अगरबत्ती धूपबत्ती लेकर उनके चारों तरफ नहीं घूमना है। और इस मंगल मुत्तंग सूत्र उसमें जो ये चौथा सूत्र है और पांचवा छठा, वो मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आपके गले में जो मंगल सूत्र पड़ा हुआ है उसमें 38 मन के 38 मणि, 38 रत्न, 38 मोती होते हैं काले रंग के, जो पीले धागे में होते हैं, जो आपको याद करने की एक परंपरा बना दी है। बेसिकली ये सभी के लिए होते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे नर है या नारी है। पुराने समय में हर एक व्यक्ति को ये 38 जो मन के हैं या जो ज्वेल हैं, जो रत्न हैं, वो सीखने होते थे और उन पर चलना होता था। गृहस्थों के लिए ये जरूरी था कि वो 38 मंगल उत्तम जो सूत्र हैं उनको याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको माने, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए सुखपूर्वक हो जाए और कभी उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। तो यहाँ जो ये जो सूत्र नंबर 3 है वो इस प्रकार है, पति रूप देशवासो चे तुब्बे चे कतपुंयता अत सम्मापनिधि चे ऐतंग मंगल मुत्तंग मुत्तमंग। पति रूप देशवासो चे, पति रूप देशवासो चे का जो मतलब है यहाँ बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया है। पति जो शब्द है उसको पति भी बोलते हैं, यानी पति या पति, इसका मतलब होता है पति वासु, पति का, पति रूप का मतलब होता है योग्य और सही, यानी बिल्कुल अनुरूप, ठीक, एकदम अनुकूल, अनुकूल रूप से, प्रति रूप से, सम्यक रूप से, सही रूप से, ठीक। क्या होना चाहिए? देश वासु, देश माने होता है राज्य, डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बा, इसको देश बोला जाता है, और वासो माने रहना, चे माने और, यानी पहला नियम यह है कि जो बिल्कुल ठीक है रहने के हिसाब से, योग्य है, अनुकूल है, जो जगह, जो शहर, जो गांव, जो कस्बा, जो राज्य, जो देश, जो देहात, जो जगह सही रूप से बिल्कुल ठीक है, वहां वास करना चाहिए, यानी कि सम्यक और सही जगह वास करना चाहिए। अब ये जो सम्यक और सही जगह है वहां रहना चाहिए, ये बहुत व्यापक है। अगर आपको ध्यान हो तो भगवान बुद्ध ने जो ये बात कही है वही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि जिस जगह आपको इज्जत ना मिले, जिस जगह आपको सम्मान ना मिले, जिस जगह आपको काम ना मिले, जिस समय असमानता हो, ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, जहां मनुष्य को मनुष्य ना समझते हो, जहां आपको फंडामेंटल राइट्स यानी बोलने का, धन रखने का, संपत्ति खरीदने का, चुनाव लड़ने का, प्रमुख बनने का, एजुकेशन हासिल करने का, पढ़ने का, ये मनुष्य के बराबर मनुष्य जितने राइट हैं वो अगर नहीं आपको मिलते हैं, कहीं आपको सुविधाएं नहीं है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने के मौके अगर आपके छीन लिए जा रहे हैं और जबरदस्ती घपला करके, षड्यंत्र करके आपके जो मौके हैं या जो आपका अधिकार है, जो आपका नंबर है, उसको अगर ख़त्म किया जा रहा है और वहां आपको नहीं मिल पा रहा है, या जहां बेइज्जती होती है, जहां आपको मनुष्य के बराबर नहीं समझा जाता है, या जहां सुरक्षा नहीं है, आपको खतरा महसूस होता है रात को आते जाते या सोते, या हर समय डर रहता है, या आपको जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन आपको निम्न स्तर का या बेकार मिलता है, या आपको वहां पर बहुत गंदे कामों में रहने के लिए कहा जाता है कि आपको काम करने के लिए सिर्फ गंदे ही काम है, तो वो जगह रहने लायक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए तुरंत, बिना इस लालच के कि ये मेरा मकान है, ये मेरा आंगन है, इसका मैं क्या करूं, उसका पैसा मिलता हो या ना मिलता हो, उस जगह को छोड़ के वहां जाना चाहिए जहां आपको सारे अधिकार, सारे राइट, और जहां आपको सुरक्षा, खाना, और जहां सब चीज आपको हेल्थ वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, अस्पताल वगैरह मिलते हो। ये देखो कितने कमाल की बात है कि ये जो मंगल मुत्तंग सूत्र है उसका ये चौथा सूत्र है जो बाबा साहब ने कितना विस्तृत रूप से बताया हुआ है, और यही आशय भगवान बुद्ध का भी है कि आपको
जो बिल्कुल अनुकूल है, जो बिल्कुल ठीक है, जो सम्यक है, उस जगह, उस राज्य, उस देश, उस स्थान पे रहना चाहिए। यह है महामंगल सूत्र नंबर 4। पुब्बे चे कत पुण्यता, पुब्बे चे कत पुण्यता। पुब्बे माने होता है पहले, चे माने और कत पुण्यता का मतलब है कत माने किया हुआ, यानी काम किया हुआ, कार्य किया हुआ, और पुण्यता माने होता है जो पुण्य है, यानी कि पुण्य आपने किए हैं पहले। अब यहां ये जो पांचवा महामंगल सूत्र है उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले के किए हुए जितने भी पुण्य कार्य हैं वो होने चाहिए। अब किसी व्यक्ति को अगर आज ये कहा गया है कि पहले आपके कौन से पुण्य कार्य हैं तो उसे पता नहीं। यहां दो बातें हैं इसकी, एक तो यह है कि जन्म के साथ जो कार्य आते हैं वो होने चाहिए, वो हमारे हाथ में अभी तो है नहीं क्योंकि जन्म तो हो चुका है। जो पहले अगर पुण्य काम किए हैं तो पुण्य काम किए होंगे, उनका फल अच्छा मिलेगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं है तो पुण्य काम अब करने चाहिए ताकि आगे वालों को मिले। तो अब अगर पुण्य काम करेंगे तो आगे वालों को कैसे मिलेंगे, इसे समझ लीजिए। मेरे पिताजी ने पूरे जीवन भर धम्मपद पढ़ा, वो भगवान बुद्ध का धम्मपद पढ़ते थे और सुबह को साधना तपस्या भी करते थे और बड़े शांत थे, कोई व्यभिचार नहीं करते थे, अपना गृहस्थ जीवन के सारे काम पूरे करते थे, जो जिम्मेदारियां थी वो निभाते थे, उनका खाना बहुत सात्विक था और कोई उनमें व्यभिचार था नहीं, उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी, सिंपल सादा आदमी थे और जो जीवन के लिए आवश्यक मेहनत करने का काम है वो लगातार करते थे नियम से, मैंने कभी उनको काम चोरी करते हुए देखा नहीं। तो उनकी ख्याति और उनका जो पुण्य कर्म जो उन्होंने किया उसका फल हमारे परिवार के हर एक मेंबर को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये लेखराज सिंह के बेटे हैं, बस ये नाम ही काफी है क्योंकि वो बहुत सज्जन और बहुत पुण्यवान व्यक्ति थे। तो इसका मतलब जो पूर्व में पुण्य काम किए हैं वो मेरे पिताजी ने किए हैं, जो उसका फल मुझे अब मिल रहा है, और मैं जो अभी ये पुण्य काम करूंगा या अच्छे काम करूंगा उसका फल मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को या मेरे परिवार को मिलेगा कि सुधीर दास सिंह ने जीवन में पुण्य काम किया तो ये फल है और अगर पाप कर्म किए तो उसका ये फल है, फल दोनों के ही आएंगे। यहां भगवान बुद्ध कहते हैं पांचवें नंबर के महामंगल सूत्र में कि आपने पुण्य काम इकट्ठे करने हैं, अच्छे काम इकट्ठे करने हैं, पुराने अच्छे काम अपने आप हो जाएंगे क्योंकि जो आपके काम है वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को मिलेंगे, इसलिए पुराने अच्छे कामों का होना जरूरी है, पुराने अच्छे काम हो, ये पांचवा महामंगल सूत्र है। छठा है अत सम्मा परिधि च, अत सम्मा परिधि च। अत माने होता है स्वयं और सम्मा माने होता है सही। अत सम्मा पणिधि च, और पणिधि माने होता है पण, माने होता है प्रण, और पणिधि माने होता है निश्चय या संकल्प धारण करना। आपने देखा होगा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कि उसमें प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो वचन होता है उसको प्रण बोलते हैं, प्रण ना जाए, प्राण जाए पर प्रण ना जाए, प्रण को पाली में पण बोलते हैं। पण का मतलब है जो आपने निश्चय किया है, जो संकल्प किया है उसको पण बोलते हैं, और पणधि का मतलब है पण का धारण करना, यानी संकल्प का धारण करना। पण को शर्त भी बोलते हैं, पण माने दुकान भी होती है, तो पण का अगर धारण कर लिया तो पणधि हो गया, पणिधि। पणिधि का मतलब है कि इसने संकल्प धारण कर लिया। और सम्मा का मतलब है, पाली में सम्मा बोलते हैं और हिंदी में सम्यक, यानी राइट, बिल्कुल सही। तो सही संकल्प मैं जो करूं वो सही संकल्प करूं, यह है महामंगल सूत्र नंबर 6। अब इसमें सम्यक क्यों शब्द लगाया है, सम्मा क्यों लगाया है, खाली संकल्प भी बोल सकते थे अत पणिधि, अत पणिधि हो सकती, सम्मा की जरूरत नहीं थी, मगर भगवान बुद्ध इतने ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे कि उनको बहुत भविष्य का भी आभास था और उन्होंने पहले जो अपने भूत में देखा वो भी देखा कि लोगों ने कैसे जानकारियों का मिसयूज किया है, यानी कि जो ज्ञान है, जैसे परमाणु बम बना, दो परमाणु की जो जानकारी है कि दो परमाणु अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब वो आपस में मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और अगर एक अणु के दो टुकड़े करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। ये जब ज्ञान पूरा आ गया दुनिया के अंदर तो दो तरह के लोग दुनिया में आए, एक तो जो सम्मा थे, सम्यक थे, सही थे, उन्होंने इसका फायदा उठाकर परमाणु के बिजली घर बनाए जो लोगों का कल्याण करते हैं, जिससे ये कैमरा चलता है, ये लाइट जलती है, और कुछ लोगों ने जो खराब लोग थे, जो सम्मा नहीं थे, जो असम्मा थे, यानी असमता वाले लोग थे, उन्होंने उसके परमाणु बम बनाए।
परमाणु बम बनाए अपने ही मनुष्य को खत्म करने के लिए, अपनी ही जाति को खत्म करने के लिए, जाति मतलब जन्म को खत्म करने के लिए, मनुष्य के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, यानी खुद के अस्तित्व को खत्म करने के लिए परमाणु बम बना दिए। तो भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से ज्ञात था कि जो जानकारी उन्होंने खोजी है प्रकृति से, जो जानकारी उन्होंने पाई है, उसका असम्यक यूज भी हो सकता है। इसलिए पहली बार भगवान बुद्ध ने, उससे पहले कभी किसी ने सम्मा का या सम्यक का इस्तेमाल नहीं किया, राइट का इस्तेमाल नहीं किया, सबने जानकारी ऐसे दी जो पुरानी जानकारी थी। मगर भगवान बुद्ध की जानकारी में खास बात है कि सारी जानकारियों में सम्यक शब्द लगा हुआ है, और उनको कहते भी सम्मासम बुद्धस्य हैं, यानी कि सही और बराबर करने वाले बुद्ध हैं। तो सम्यक यहाँ बहुत जरूरी शब्द है। सम्यक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो बुद्ध की फिलॉसफी है, जो बुद्ध की जानकारी है, बुद्ध की जानकारी को ही ग्रहण कर सीख कर कुछ लोगों ने बुद्ध की जानकारी को ही खत्म कर दिया, बुद्ध को ही खत्म कर दिया, उनकी फिलॉसफी को ही उल्टा कर दिया। यानी उन्होंने बताया कि आपको शराब नहीं पीनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, आपको नशा पता नहीं करना है, और आपको किसी भी हालत में जो झूठ नहीं बोलना है। मगर यही पांचों बात उनके सिद्धांत से ली, और यही बात भारत के लोगों को जबरदस्ती कराई गई और सिखा दी। शराब पीना सिखा दिया, चोरी सिखा दी, रिश्वत लेना सिखा दिया, व्यभिचार सिखा दिया, नशा सिखा दिया, झूठ बोलना सिखा दिया, और उनका पतन हो गया, भारत का पतन हो गया, भारत ही खत्म हो गया। आज पूरी दुनिया में भारत का हर मामले में नंबर सबसे नीचे आता है। तो धम्म के समय में जब धम्म सम्यक इस्तेमाल किया गया अशोक के समय में, तो भारत का नाम सबसे ऊपर था। और जब इसी धम्म की जो धारा थी उसको मोड़ के उसको उल्टा किया गया, सम्यक बनाया गया सम्यक से, तो भारत जमीन में चला गया, भारत गुलाम हो गया। जो लोग आए वो इसको रौंदते चले गए, इसको गुलाम होते चले गए, क्योंकि सत्य में शक्ति होती है, झूठ में कोई साथ नहीं देता। तो लोगों ने भी कहा जाओ मरो, हम तुम्हारे साथ नहीं आते, क्योंकि तुम भी ठीक नहीं हो। तो उन शासकों का लोगों ने साथ भी नहीं दिया, शासकों को छोड़ दिया, ऐसे झूठे लोगों को छोड़ दिया, ऐसे मक्का लोगों को छोड़ दिया। इसलिए यहां सम्मा परिनिधि के बारे में बात हुई है कि सम्मा परिनिधि होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक शर्त होनी चाहिए, सम्यक बात होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, जिससे कि उसका मंगल हो, मंगल उत्तम हो, मंगल उत्तमंग हो। एतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम है, यानी मंगलों में ये उत्तम है। ये है महामंगल मुत्तमंग या महामंगल सूत्र नंबर 6, जो मंगल सूत्र का ये एपिसोड चल रहा है। महामंगल सूत्र यानी मंगल होता है कल्याण, बेटरमेंट अच्छा, यानी जो किसी का अच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए, बढ़िया हो जाए उसके लिए, उसको मंगल बोलते हैं। मंगल का दिन भी इसलिए बोला जाता है, यानी कल्याणकारी दिन। सारे दिन वैसे कल्याणकारी होते हैं, मगर मंगल का मतलब है कल्याणकारी स्पेशल दिन। इस मंगल सूत्र में जो 38 सूत्र हैं या 38 बातें बताई गई हैं, जो 38 तरीके से चीजें अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे, उनको मानेंगे, उनको सीखेंगे, उनको जीवन में अभ्यास में लेके आएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, व्यवहार में और बर्ताव में लाएंगे, तो आपका अवश्य ही मंगल होगा, इसकी गारंटी है। अवश्य ही कल्याण होगा, इसकी गारंटी है। ये मंगल सूत्र इतने ज्यादा सूत्र बोलते हैं, सूत्र बाद में संस्कृत भाषा में बोला गया, ये मंगल सूत्र इतने ज्यादा फेमस और प्रमुख हैं कि लोगों ने अपनी याददाश्त के लिए 19 सूत्रों की, यानी मंगल जो मणि है या रत्न है, उनकी एक माला में परो के गले में डालना या हाथ में बांधना या कमर में बांधना, इस तरह से भी काम शुरू कर दिया। बाद में मान्यता में सिर्फ मंगल का सूत्र का एक माला सी रह गई, और बाकी जो मंगल के गुण थे, जो उसका सही इस्तेमाल था, जो उसको जीवन में अप्लाई करना था, वो खत्म हो गया। और बाद के दिनों में तो सिर्फ महिलाओं के लिए एक बाध्यकारी आइटम रह गया, गुलाम बनाने का, स्लेम बनाने का आइटम रह गया कि आपको ये पहनना है, ये आपके पति की जीवन की लंबी आयु बढ़ाता है। एक धागा या एक कोई माला किसी पति के जीवन की लंबी उम्र कैसे बढ़ा सकती है, किसी का जीवन कैसे बढ़ा सकती है, ये एक बहुत ही हंसने वाली बात है। मगर अगर उन 38 बातों को माना जाए तो वो जीवन बढ़ा सकती हैं, परिवार का, बच्चों का, औरत का, स्वयं का, घर का, मोहल्ले का, पूरे देश का, इसकी गारंटी होती है, क्योंकि ये सभी लोग समझते हैं और जानते हैं। तो इसमें जो आगे का सूत्र है वो इस प्रकार से है, बाहु सच्चंच सिपंच विनियो चे सुशिक्षितो सुभाषिता चे या वाचा एतंग मंगल मुत्तमन। बाहु सच्चंच सिपंच,
बाहु सच्चंच का मतलब है बाहु सच्चंग चे, बाहु सच्चंग चे, बाहु सच्चंग, बाहु सच्चंग जो बोलते हैं पाली भाषा में इसका मतलब है विद्वान, यानी कि जानकार, और चे माने और, क्योंकि सूत्र लगातार आगे बढ़ रहा है तो और करके आगे बढ़ेगा। यानी कि एक मंगल सूत्र है जो सातवां है वो ये कहता है कि आपको विद्वान होना है। विद्वान का मतलब पुरानी भाषा में क्या होता है, पुरानी भाषा में जो पुराने समय में बुद्ध के समय में या बुद्ध से पहले के समय में कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई डिग्री तो होती नहीं थी, या तो छोटे मोटे कहीं किसी को जानकारी है, जैसे जानकारी किसी को हो गई आज के समय में, जैसे कॉलेज के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं, मगर इसके अलावा जो घर में माँ बाप जानकारी देते हैं वो भी जानकारी है, जो मोहल्ले में कोई पड़ोसी जानकारी देते हैं वो भी जानकारी है, चाहे भले ही खराब है या अच्छी है वो आपको चेक करना है, मगर जानकारी जानकारी है। तो विद्वान होना है यानी विद्या सीखनी है, यानी कि धारण करना है जो सामाजिक ज्ञान है, जो आर्थिक ज्ञान है, जो राजनीतिक ज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है, जो जीवन की उपयोगी सही तरीके से जीने का ज्ञान है, उसको धारण करना है, उसको सीखना है, और अधिक से अधिक सीखना है, इसको विद्वान बोला करते थे। और भी अगर भाषा में गुण में जाएं तो विद्वान का मतलब होता था कि उस विद्या को, उसको धारण करेगा, उस ज्ञान को धारण करेगा जो पाप कर्म से रहित होगा, यानी कि पुण्य कर्म से होगा, जिसमें पाप ना हो, जिसमें चोरी ना हो, जिसमें शराब, नशा, पता, अफीम, चरस, गांजा ना हो, जिसके अंदर हिंसा ना हो, मारना ना हो, हत्या ना हो, जिसके अंदर कोई ऐसा व्यवचार ना हो जो किसी को परेशान करे, मन को दुखी के, या जैसे रिश्वत का है, या आलस का है, या चोरी चकारी का, या झूठ बोलने का है, इस तरह का कोई व्यवहार ना हो, ना ही अन्न दाना हो, यानी कि बिना किसी दान की वस्तु को लेने का कोई अधिकार ऐसा हो। तो इस तरह के ज्ञान को अधिक से अधिक मजबूत करना है, इकट्ठा करना है, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोरी करने के ज्ञान को बहुत सीख ले, या डकैती करने के ज्ञान को बहुत सीख ले, या दुकान पे कम तोलने के ज्ञान को कह दे कि मुझे बड़ी विद्या आती है, या जो आज की डेट में जो कारोबार होता है, जो सेंसेक्स होता है, या जो शेयर मार्केट में होता है, वहां चोरी चकारी करे, सरकार का बहुत ज्यादा शेयर का पैसा चुराए, इनकम टैक्स चुराए या सेल टैक्स चुराए, उसको बहुत बड़ी विद्वता कह दें, या कोई सरकारी अफसर ऐसा बने जो बहुत ज्यादा रिश्वत ले, कहते बड़ा विद्वान है, बड़ा कारगर है, बड़ा साज है, या कहीं कोई डग्गेमारी का काम सीख ले, या कहीं किसी को परेशानी दबाने का काम सीख ले, उसको ऐसी विद्वता नहीं चाहिए, इसमें करामात नहीं चाहिए। इसमें तो अगर करामात सीखता है तो ये पाप की और पाप कर्म की और पापी की निशानी है, इसको पाप विद्या बोलते हैं। तो सम्यक विद्या सीखनी है, सही विद्या सीखनी है, यह है महामंगल सूत्र का सातवां सूत्र। आगे कहता है सिप्पंच, सिप्पंच का मतलब है सिप चे, सिप्पंग चे, यानी सिप को और, जैसे इसको बोला कि बहु सच्चंग चे, यानी कि बहुत विद्वान होना चाहिए, बहुत शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए सही, और सिप्पंच चे का मतलब सिप्पंग माने हो गया शिल्प सीखनी चाहिए, आर्ट सीखनी चाहिए, क्राफ्ट सीखनी चाहिए। तो शिल्प क्या है, शिल्प है जो, क्योंकि उस समय जो इंडस्ट्री होती थी वो बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री होती थी। कैसी इंडस्ट्री होती थी, जैसे एक लकड़ी को छीलने का काम करता है तो लकड़ी को छील के क्या बनाता है, बैलगाड़ी बनाता है, चौखट बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिड़की बनाता है, या बच्चों के खिलौने बनाता है, या कोई खेत में उपयोग की चीज बनाता है, या कोई रथ बनाता है, इस तरह की चीजें लकड़ी को छील के बनाई जाती थी, या पानी लाने का सामान है, या तीर बनाने का सामान है, या जैसे बाद में उस समय तांबा आ गया, बताते हैं कि शायद लोहा भी आया नहीं आया, डिस्प्यूट है, मगर तांबे का तो पक्का है, तो तांबे का कोई बर्तन बना दिया, या तांबे का कोई सिक्का बना दिया, या तांबे की कोई चीज बना दी, इस तरह से शिल्प हो गया। या जो बांस है, बांस की बहुत सारी टोकरी बना दी, या बांस की बहुत सारी चीजें बना दी, कुर्सी बना दी, मेज बना दी बैठने के, तो बांस की शिल्प हो गई। या ये घास की शिल्प है, घास से कोई रस्सियां बना दी, बड़ी रस्सियां बना दी, रस्सियों का जाल बना दिया, जाल की झूला बना दी, इस तरह की शिल्प हो गई। तो ये सारे शिल्प में आते थे, जैसे लेदर का, चमड़े का काम होता था, तो चमड़े से जो घोड़े की या जानवर की कमान बनती थी, या उसकी ऊपर की जितनी भी साज सज्जा बनती थी, या उसकी बैठने की सीट बनती थी, या जो पानी की मस्क बनती थी जिसमें पानी भर के लाते थे और लोग पानी पीते थे। ये ध्यान रखें कि मस्क से पानी बहुत आता था, मस्क उसको बोलते थे कि जैसे पूरा एक बड़ा जानवर है और वो मर गया तो उसकी खाल को इस तरह से निकालते थे कि वो खाल नुकसान ना हो, और उसको एक तरफ से छिलके और उसके अंदर पानी भर के लाया करते थे दूर दूर से, और वो पानी को लोग पिया करते थे, मस्क में पानी लेके आते थे और उस पानी को पीते थे। वो मस्क का पानी हमने भी बचपन में काफी पिया है, क्योंकि
जो हमारे यहाँ नाली साफ करने के लिए लोग आते थे तो एक नाली साफ करता था और दूसरा मस्क से पानी ला के नाली पे डालता था। ये नगर पालिका की ड्यूटी होती थी, तो मस्क से पानी पीते थे, कई बार मस्क का पानी जानवरों को भी है। तो ये बात बड़ी बेकार सी है कि लेदर में भरा हुआ पानी नहीं पीते थे। बहुत लोगों ने लेदर में भरा हुआ पानी पिया है, और पुराने समय में और खासतौर से जहां रेगिस्तान या राजस्थान या गर्मी है, वहां तो सब जगह ही पानी का ही थैला होता था, पानी की बोतल होती थी जो चमड़े की बनी होती थी। यानी चमड़े की थैली में पानी को रखकर ऊंट पर या बैल पर या गाड़ी पर लेके जाया करते थे। मटके बहुत बाद में इस्तेमाल हुए हैं और टूट भी जाते थे, तो उसमें चमड़े की बोतल में पानी रख के पीना अच्छा और बढ़िया माना जाता था, क्योंकि पानी खराब नहीं होता था उसके अंदर। तो इस तरह का शिल्प हो गया, या और शिल्प हो गए जैसे औरतों के श्रृंगार का सामान है, या मालाएं हैं, या फूल हैं, इस तरह का सामान है, या कपड़े बनाने का शिल्प है, या चप्पल बनाने का शिल्प है, या कपड़ों को सिलने का, हाथ से सिलने का शिल्प है। ये छोटे छोटे शिल्प के काम होते थे, और उस समय तक सोना भी आ गया था, तो सोने का भी कोई ना कोई आइटम बनाने का सोने का शिल्प हो गया था। तो ये सारे शिल्प है, तो यानी कि शिल्प भी सीखना चाहिए। आज के समय तो शिल्प बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, हजारों तरह के काम शिल्प में आ गए हैं। तो व्यक्ति को शिल्प सीखना चाहिए, काम सीखना चाहिए, काम सीखने से उसकी तरक्की होगी और उसका जीवन आगे बढ़ेगा। ये है महामंगल सूत्र में मंगलकारी जो आइटम है, आइटम नंबर 8। आगे कहता है, सुभाषिता चे या वाचा, सुभाषिता चे या वाचा। सुभाषिता, भाषण करता है कोई, जैसे मैं बोल रहा हूं तो उसको भाषण बोलते हैं, तो भाषण माने भासती, यानी कि जो भासता है, बोलता है, इसको संस्कृत भाषा में भाषण बोलते हैं, पाली में भाषण है, भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भाषा बोलते हैं, शय पाली में नहीं होता, इसलिए भाषा या भासती। तो सुभाषिता, जहां सु लग जाए इसका मतलब है अच्छा, बहुत लाभदायक और बहुत अच्छा बोलना चाहिए। सुभाषिता चे या वाचा, यानी चे माने और, वा माने या, वाचा माने वार्तालाप, यानी बात जो करते हैं, यानी कि वार्तालाप के अंदर जो वो होना चाहिए बहुत मधुर और मीठा होना चाहिए, ये उसके अंदर एक मंगलकारी गुण होना चाहिए, जो यहां गुण नंबर 9 है। अगर वो मीठा नहीं बोलेगा तो किसी आदमी के मन में उसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं आएगी, प्यार नहीं आएगा, वो उसका हितैषी नहीं बनेगा। क्योंकि कड़वा अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब आपका मन कड़वा है, आप अंदर से कड़वे हैं, और अगर आप कड़वे हैं तो कड़वे आदमी से कौन बात करना चाहेगा, कड़वी चीज कौन खाना चाहता है। इसलिए जब आप मीठा बोलेंगे तो सामने वाले को एक इंप्रेशन जाता है कि ये व्यक्ति या ये महिला बहुत अच्छी है, चाहे भले ही वो आपका काम करे ना करे, आपका क्या जा रहा है। तो इसलिए आप मीठा बोलेंगे तो आप लाभदायक रहेंगे, आपका परिवार लाभदायक रहेगा। तो मीठा वहां तक बोलिए जहां तक लाभदायक है। कई बार बच्चे को आप कटुता से बोलते हैं, बहुत ज्यादा कठोरता से बोलते हैं, तो कठोरता होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर किसी बात को नहीं समझ रहा है और मीठा बोलने से वो उसको लिबर्टी ले रहा है, आजादी ले रहा है, और वो समझता है कि मीठा बोला मुझे क्या कहा, तो आपको जोर से बोलना चाहिए, मगर कटुता से नहीं, कठोरता से। जोर से तो बोले मगर मन के अंदर मैल ना लाए, यानी कि सामने वाले को, क्योंकि आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपको ठीक भी करना है, मगर सामने जब आप बोलते हैं किसी से जाते हैं तो हमेशा मधुर ही बोलिए, मधुर बोलने का हमेशा फायदा होता है। यह है महामंगल उत्तम सूत का 9वां भाग, 7, 8, 9 आर। इसमें विनय के नियम वो होते हैं जो दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपके जीवन के लिए हमेशा लाभकारी होते हैं, यानी रूल ऑफ कंडक्ट, आपके बिहेवियर के नियम, आपके व्यवहार के नियम, जो हमेशा आपके व्यवहार को ये बताते हैं कि ये व्यवहार अभी अच्छा हो रहा है या नहीं। जब भी आप विनय के नियम तोड़ेंगे इसका मतलब यह है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। और सुशिक्षितों का मतलब है अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए। अब शिक्षित जो है, पंजाब के अंदर बहुत सारे सिख हैं, वो सारे सारे पुराने समय के शिक्षित लोग हैं, जो 5 बातें नहीं करते, यानी कि जो चोरी नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो हत्या नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, और जो शराब नहीं पीते। जो 5 लोग इस काम ये नहीं करते थे उनको सिख बोला जाता था, और जो अच्छी तरह से इस काम को नहीं करते हैं और औरों को भी सिखाते हैं उनको सुशिक्षित बोला जाता है, यानी कि अच्छी प्रकार से शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षा जो है वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, और शिक्षा का मतलब है कि वो सारी बुराई आपके अंदर नहीं आनी चाहिए जो समाज और देश और आपके परिवार और आपके लिए बुरी हैं, और वो सारी अच्छी बातें सीखनी है आपको जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके पड़ोस के लिए, आपके राज्य के लिए और आपके देश और दुनिया के लिए ठीक है। तो ये है जो नियम है यहाँ, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे के पूरे नियम यहाँ ये बताए गए हैं, जो
महामंगल सूत्र में जो चौथा सूत्र है उसके हिसाब से आता है। ऐतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम हैं, यानी मंगलों में ये उत्तम हैं। ये है महामंगल मुत्तमंग या महामंगल सूत्र। धन्यवाद। महामंगल सूत्र 12, 13 और 14, 12, 13 and 14। महामंगल सूत्र या मंगल सूत्र या मंगल सूत्र, वही मंगल सूत्र जो भारत में अधिकतर औरतें अपने गले में पहनती हैं और काले मोती सजाती हैं। ये शायद ही किसी को पता हो कि ये जो मंगल सूत्र हैं, ये भगवान बुद्ध की 38 बातें हैं, जिनको मंगल बातें बोलते हैं, महामंगल बोलते हैं और महामंगल सूत्र बोलते हैं। सूत्र माने बाद में धागा भी बोला गया, धागे को वैसे तंतु बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, और जो माला होती है उसको माला गुणे बोलते हैं। माला गुणे का मतलब है माला में प्रोया हुआ। तो यहाँ जो ये महामंगल सूत्र हैं, ये 12, 13, 14, बाकी 11 तक मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये वो बातें हैं जिनसे आपका मंगल होता है, आपके बच्चे की उम्र लंबी होती है, आपके पति की उम्र लंबी होती है, आपकी उम्र लंबी होती है, आपके माँ बाप की, आपके सास ससुर की, आपकी नंद की, नंदोई की, जेठ की, जेठानी की, सभी रिश्तेदारों की और पूरे भारत की उम्र लंबी होती है। इसलिए ये 38 सूत्र जो बातें हैं, इनको जीवन में जरूर अपनाइए। जीवन में अपनाएंगे तभी फायदा होगा, गले में लटकाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो 12वें नंबर का जो सूत्र है वो इस तरह से है, माता पितु उपठानंग। माता पितु उपठानंग, माता माने मदर हो गई, पितु माने पिता हो गया, फादर हो गया, और उपठानंग का मतलब है, उपठान जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेवा को, यानी माता पिता की सेवा करें। जो भगवान बुद्ध की सेवा करते थे वो थे आनंद, आनंद को उपठानक बोलते थे, उपठानक पाली के अंदर, और संस्कृत भाषा में उपस्थानक बोलते थे, उपस्थानक। तो उपस्थानक का मतलब है जो सेवा करता है, उपठानक पाली के अंदर हो गया और उपठानंग हो गया सेवा को। तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए? एक तो माँ बाप ने आपको फिजिकल बॉडी दी है, यानी जो ये शरीर में जितने भी गुण मिलते हैं आपका, चाहे रंग है, चाहे नाक है या कान है या सर, ये कद और काठी है, या जो आपका चाल चलन हाव भाव है, ये सारा का सारा माँ बाप से फिजिकल हमें गुण सूत्रों से मिलता है। ये एक नेचुरल और प्राकृतिक प्रोसेस है। मन हमारा बाहर से आता है, हमारा अपना ही होता है, क्योंकि जैसे काम हम इस जीवन में करते हैं अगले जीवन में जैसा भी मन मिले, जरूरी नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिले, हो सकता है किसी और प्राणी का मिल जाए, मगर मन साथ जाएगा, यानी कि हमारे कर्म साथ जाएंगे, वो हमारे अपने होते हैं। तो माँ बाप की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको खाना दिया, पानी दिया, शिक्षा दिया, आपकी सुरक्षा की, और आपको अपनी जान दे के भी उन्होंने बचाया, जो कि एक प्राकृतिक नियम है। यानी माँ बाप अपनी जान देकर भी बच्चे को बचाते हैं। दुनिया में किसी भी प्राणी के सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपनी जान पर खेल जाते हैं और अपने बच्चे को बचाते हैं। उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड, उनसे ज़्यादा सुरक्षा, उनसे ज़्यादा भरोसा दुनिया में कोई भी अन्य नहीं दे सकता। क्योंकि आपको भी माँ बाप बनना है, तो जैसा कर्म आप अपने घर में करेंगे, जैसी सेवा आप अपने घर में करेंगे, आपके बच्चे हूबहू वैसा ही सीखेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके बच्चों का ये भाव मन में अपने आप आएगा कि हमारे माँ बाप की, अपने माँ बाप की, हमारे माँ बाप ने बहुत सेवा की थी, तो किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आप ये मान के चलना कि आपकी भी सेवा करने वाला कोई होगा नहीं। कोई बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा, कोई बच्चा शर्मा हजूरी में कर दे कि सामाजिक कल्चर है तो अलग बात है। इसलिए माँ बाप की सेवा जो करता है वो सुखी रहता है, उसके मन में एक संतोष रहता है कि अपने पालने वाले, अपने पैदा करने वाले के लिए मैंने अपने आखिरी मिनट तक भी उनका सहयोग किया, उनकी सहायता की, उनके साथ रहा, उनको मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनको अकेला होने का एहसास नहीं दिलाया, उनके बूढ़े होने का एहसास नहीं दिलाया। और इस सेवा भाव से मन में बहुत प्रसन्नता आती है। इस जो प्रसन्नता आती है उससे आपके बच्चे बहुत अच्छी सीख लेते हैं और बच्चे भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। घर में एक शांति का, एक मधुर वातावरण बना रहता है जो कि सुख और शांति और आनंद लेके आता है। इसलिए माँ बाप की सेवा करें। 13वें नंबर का है,
दारस्य संग हो, पुत्र दारस्य संग हो, पुत्र माने तो पुत्र होता है और दारस्य का मतलब होता है, दार माने होता है इत्थी या स्त्री या पत्नी। आपने एक गाली सुनी होगी पुराने समय में, दारी के मांजा नहीं तो छोड़ूंगा ना, ये इधर ईस्टर्न जो भारत है या जो नॉर्थ भारत है उसमें बहुत चलती है। दारी के कहां जा रहे, दारी के तोए बताऊं का, ये दारी के शब्द है और दारी के साथ में गाली भी लगती है, दारी चौथ की ऐसा भी बोला जाता है। ये गाली बाद में बनी, मगर इससे भी ज्यादा एक शब्द चलता है दराती। दराती जो बनता है वो दारती से बनता है, दारती का मतलब है काटता है, जो उसे फोड़ता है काटता है उससे दराती बना है। यहां दार से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दार अलग है दराती अलग है, मगर दार का जो अर्थ है वो स्त्री है और जो दारी का है उसका जो मतलब है वो है बेटी से, और दारा का मतलब है पुत्र से, यानी दार दारा और दारी का। दार को दारा को दारक भी बोलते हैं, यानी दारक माने हो गया पुत्र और दारी का माने हो गया लड़की और दार माने हो गया स्त्री। एक आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध का एक उत्सव आता है जो ठीक धम्म दिवाली के बाद में आता है, जिसको गोवर्धन बोलते हैं, यानी गौतम के धम्म वर्धन। उसमें एक नीचे एक आकृति बनाई जाती है जो ऐसा लगता है जैसे किसी मनुष्य की आकृति है और उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसके साथ में एक गाना गाया जाता है जो लोकगीत है, तेरी तो दारी मारू लोकटी तो नौ मन कजरारे हरे। ये पूरा अगर लोकगीत आपके पास किसी के पास है तो आप मुझे भेज दें, अगर आप पूरा लोकगीत भेज देंगे तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो ये जो लोकगीत आता है तेरी तो दारी मारू लोकटी, ये बहुत फेमस है, बचपन में इसको गाते थे, हमने भी देखा है गाते हुए, हम भी साथ जाया करते थे जब छोटे थे। आज तक भी मैं उसका मतलब ढूंढ रहा हूं, अगर सही अक्षर किसी के पास वो भेज दें तो मैं उसका मतलब पाली में बता दूंगा। ये पाली का लोकगीत है क्योंकि इसमें दार शब्द आता है, दारी का शब्द आता है और ये पाली के शब्द है। तो यहाँ जो दारस्य का मतलब है, दारस्य का मतलब है स्त्री, यानी पुत्र का और दारस्य का क्या करना है, संगति, संग हो करना है। संग हो का मतलब आतिथ्य करना है, उनका भरण पोषण करना है, उनका खाना पीने का इंतजाम करना है, उनका मान सम्मान करना है, तो संग हो करना है। पुत्र दारस्य संग हो, यानी तेरवा है जो मंगल सूत्र है कि अपना जो पुत्र है या पुत्री है और जो अपनी स्त्री है उसका भरण पोषण करना है, उनका आदर करना है, उनका मान सम्मान करना है, ये तेरवा सूत्र है। और जो चौदवा सूत्र है वो इस प्रकार है, अनाकुला चे कम्मन्ता, अनाकुला चे कम्मन्ता। अनाकुला का मतलब है अनआकुल, अनआकुल का मतलब है अनव्याकुल, यानी कि व्याकुल ना हो, बिना व्याकुल हुए, बेव्याकुल हुए, जिसमें कोई आकुलता ना हो, व्याकुलता ना हो, परेशानी ना हो। चे माने और कम्मन्ता माने ऐसे जीवन के लिए काम करना है या ऐसे काम करें जिसमें व्याकुलता ना हो, यानी कि आपको जो आजीविका के लिए, जो कमाने के लिए या जो आपको पेशा है या जो आपका रोजगार है, आपने वो काम करना है जिसमें व्याकुलता ना रहे। व्याकुलता किसमें, जैसे आपने जैसे सुअर काटने का काम किया या जानवर काटने का काम किया या भैंस काटने का काम किया या बकरा काटने का काम किया, तो अगर आप बकरे को काटेंगे, जानवर को काटेंगे तो आपको व्याकुलता रहेगी। आपने अगर 100 लोगों को शराब बांटी या पिलाई या बेची या खरीदी या बनाई, या आपने उसको सहायता दी या लाइसेंस दिया, या आपने सिस्टम बनाया या दुकानें खोली सरकारी या गैर सरकारी, आप सरकारी पावर में है तो आपने इसकी परमिशन दी, गैर सरकारी है तो आप बनाते हैं, तो शराब बेचने का, रखने का, पिलाने का, उकसाने का, यानी उसके एडवर्टाइजमेंट में जो काम करते हैं लोग, जो उकसाते हैं टीवी में, जो काम करते हैं या टीवी में जो कलाकार ग्लास शराब का पैक उठा के गाने गाते हैं या वीडियो में जो गाने गाते हैं, जो शराब का बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं, वो सभी लोग जो काम करते हैं वो बेचैनी वाला है। शराब का प्रचार करके या नशे का प्रचार करके कोई भी आदमी चैन वाला काम नहीं कर सकता, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कहीं कोई युद्ध होने की आशंका है, हथियार बना रहे हैं या बेच रहे हैं या जहर बना रहे हैं या बेच रहे हैं, या कोई ऐसा काम करें जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, मिलावटी सामान बेच रहे हैं, सब्जियों में रंग मिला दिए या दूध में आपने वो जो आजकल पाउडर आता है कपड़े धोने का, उससे जो वो बनाते हैं दूध बनाते हैं जहरीला दूध, या वो बना दिया, दालों में मिलावट कर दी, दवाइयों में मिलावट कर दी, या आपने नकली सामान बना दिए, या आपने जो
आटा है उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, जितने भी काम ऐसे हैं जो नंबर दो के काम हैं जिनको करके आप चोरी से करते हैं, पहली बात तो जो कहीं छुप के करते हैं किसी को बता नहीं सकते और जो पब्लिक के लिए खराब है, वो आपको बेचैनी पैदा करेंगे। आपने सामान दुकान पे बेचा, नकली सामान रख लिया, या आपने ज्यादा पैसा ले लिया, या ज्यादा मुनाफा कमा लिया, या पुराना सामान दे दिया, या सड़े हुए फल दे दिए, सड़े हुए आपने मेवे दे दिए, या सड़ा हुआ रखा हुआ कोई आउटडेटेड सामान दे दिया, आपने अपनी चतुराई से उसे बेचा, तो वो आपको व्याकुलता देगा, बेचैनी देगा। वो काम नहीं करने हैं, क्योंकि बेचैनी का पैसा, व्याकुलता का पैसा आपके परिवार में बेचैनी ही पैदा करेगा, व्याकुलता ही पैदा करेगा। जो आदमी नंबर दो का पैसा कमा के घर लेके जाते हैं, उनके घर में हमेशा अशांति मिलेगी। आप किसी का भी घर चेक कर लेना, चाहे कोई कैसा भी हो, व्याकुल मिलेगा, परेशान मिलेगा, 24 घंटे भागता हुआ मिलेगा, चेहरे पे हमेशा परेशानी रहेगी, और एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा और ज्यादा व्याकुल होता रहेगा, या तो बीमारी से मर जाएगा या व्याकुलता से ही कहीं खत्म हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट वगैरह करके, या उसके परिवार में जो उसके बच्चे हैं वो पीछे सारे खराब हो जाएंगे, वो शराबी कबाबी जुआरी नशेड़ी सारे बन जाएंगे, या व्यभिचारी बन जाएंगे, अपनी बाप की नहीं सुनेंगे, माँ की नहीं सुनेंगे, घर में कलह होगा। ये सारी चीजें व्याकुलता वाला जितना भी धंधा है, व्यवसाय है, वो पैदा करता है। ऐतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम है। मंगलसूत्र या महामंगलसूत्र, यानी कि जो गले में मंगलसूत्र पहना जाता है, जो 38 बातें हैं जो मंगलकारी हैं, जिनसे लाभ होता है, जो महिलाएं पहनती हैं और जानती नहीं हैं, उसके में 14 जो सूत्र हैं, 14 मन के, 14 मोती, 14 रत्न, उनके बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ जो ये गाथा है मंगलसूत्र की, उसमें 15, 16, 17 और 18 नंबर के जो मन के हैं, मोती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों का मंगल हो, आपका मंगल हो, आपके पति का मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, मोहल्ले में जितने सदस्य हैं, सभी का, पूरे देश का मंगल हो। दानच धम्मचर्या च यात कानच संग हो अनुवज्जानी कम्मानी ऐतंग मंगल मुत्तमंग। ये मंगल सूत्र नंबर 6 है, इसमें 15, 16, 17, 18 नंबर के सूत्र दिए हुए हैं। दानच धम्मचर्या, दानच धम्मचर्या, दानच का मतलब है दान चे, इसमें जो नियम है वो 15वां है, यानी कि दान करना चाहिए, दान करें। दान क्यों करें? क्योंकि आपने जो जरूरत से ज्यादा कमाई की है और जो आपके पास पैसा है, वो पैसा आपको बुराई लेके आएगा, आप इधर उधर खर्च करोगे। और जिसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिसके पास में खाने के भी नहीं है, वो परेशान होगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। यानी जो भूखा व्यक्ति होता है, मार उसको कहीं ना कहीं पापी बना देगी, चोर बना देगी, हिंसक बना देगी। और जो ज्यादा पैसा वाला है, उसके मार कहीं ना कहीं उद्दंडी बना देगी, उल्टे सीधे कामों में उसका मन लगा देगी। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, अगर आप कमाते हैं, तो वो आपके और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। और जिन व्यक्तियों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं होता, उनके लिए भी जो निर्धनता है, गरीबी है, वो भी नुकसानदायक होती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसको भगवान बुद्ध ने देखा। इसलिए दान की पारमिता बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि अगर आपके पास में इतनी कमाई है, इतना साधन है, तो आपको कुछ हिस्सा उसका दान में लगातार करते रहना चाहिए। उसका आपका धन, उसका परिवार और लोग आपकी तरफ में कभी नुकसानदायक दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि जो दान देता रहता है, सारी दुनिया उसकी सहायता करते हैं कि ये अच्छा आदमी है, दान देता है, तो कभी उसके विरुद्ध में नहीं जाते। ऐसा करके दान को बताया है कि दानच का मतलब दान करें। और धम्मचर्या, धम्मचर्या का मतलब है धम्म की चारिका करें। चारिका मतलब होता है जो 24 घंटे में हम कार्य करते हैं, उसको चारिका बोलते हैं। यानी जो दिनचर्या हमारी होती है 24 घंटे में, जो 24 घंटे चार चर्या में काम आते हैं, यानी उठना, बैठना, लेटना, सोना, यानी सोते हैं जब, चलते हैं जब, उठते हैं और बैठते हैं। तो हम चलें या बैठें या उठें या सोएं, ये चारों काम चर्या में आते हैं। इन चारों के अलावा कोई काम हमारा शरीर नहीं करता है। या तो हम बैठे रहेंगे, या हम चलेंगे, या हम सो जाएंगे, या हम खड़े रहेंगे। तो ये जो चर्या है, ये धम्मचर्या होनी चाहिए, यानी कि हम 24 घंटे इस बात को ध्यान रखें कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो और कोई किसी का नुकसान ना हो। ऐसे 24 घंटे हम विजिल से रहें, ऐसा ग्रस्त ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए। ये है महामंगल सूत्र नंबर 16।
और 17 में है यात कानंच संगहो। यात कानंच संगहो का मतलब है यात माने होता है ज्ञात, ज्ञात यानी कि यातंग, यात कानंच का मतलब है यात का मतलब है ज्ञात, ज्ञात का मतलब है जो जानकार हैं, जो भाई हैं, बंधुत्व हैं, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो हमारे ज्ञात का हैं, जानकारी में हैं, उनका संग होना चाहिए, उनका भरण पोषण करते रहना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ज्ञात का जानकार रिश्तेदार नाता संबंधी अगर कोई भूखा है, कोई परेशान है, तो आप भी परेशान होंगे, आपका मन भी व्याकुल होगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका भाई अगर खाना ना खाए और आप खाना खा के सोएंगे तो वो खाना आपको हजम नहीं होगा, परेशानी पैदा करेगा, मन में गांठ बनाएगा, बीमार करेगा और उसका असर लंबे समय तक आपके शरीर पर रहेगा। 18वां है अनुवज्जानी कम्मानी। अनुवज्जानी कम्मानी का मतलब है अनुवज्जति यानी अनवर्जित। अनवर्जित का मतलब है वर्जित माने क्या होता है, यह नहीं करना चाहिए, और अनवर्जित माने क्या होता है, जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना। अनवज्जानी का मतलब है जो वर्जित है, जिसको मना कर दिया है उसको नहीं करना है। क्या मना कर दिया है, जैसे मना कर दिया है कि चोरी नहीं करनी है, जैसे मना कर दिया है कि ये सामान किसी का जो लेके आए हैं इसको खराब नहीं करना है, जैसे मना कर दिया है आपको कि आपको नशा नहीं करना है, जैसे मना कर दिया है आपको कि आपको किसी का कोई बाहर कटु शब्द नहीं बोलने हैं, जैसे आपको मना कर दिया है कि दूसरे के सामान को नहीं लेना है, जैसे आपको मना कर दिया है कि आपको जोर से नहीं बोलना है, जैसे आपको मना कर दिया है कि ज्यादा खाना नहीं खाना है, तो जो मना कर चुके हैं, जो वर्जित हो चुका है, वो काम नहीं करने हैं। कम मानी का मतलब काम है और अनवज्जानी का मतलब है अनवर्जित, यानी कि जो वर्जित हो चुके हैं वो नहीं करने हैं। ये है महामंगल सूत्र नंबर 18। तो दानच धम्माचर्या चे यात कानच संगहो अनवज्जानी कम्मानी एतंग मंगल मुत्तमंग। मंगल मुत्तमंग का मतलब है मंगलों में उत्तम है, ये काम मंगलों में उत्तम है, मंगल माने कल्याण में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। धन्यवाद। मंगल सूत्र के जो 19, 20 और 21 नाम के जो मोती हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोती का मतलब मन के हैं, ज्वेल हैं, रत्न हैं, जो भारत की महिलाएं अपने मंगल सूत्र में धारण करती हैं, पहनती हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि उनके हर एक मोती का एक एक मतलब है। जो 38 मोती वो पहनती हैं, 19 इधर 19 इधर, और ये काले रंग के पीले धागे में होते हैं। पीले का मतलब है भगवान बुद्ध के चीवर के रंग से मिलते जुलते धागा होता है, भगवान बुद्ध ने दिए हैं प्रो के, इसलिए जो महिलाएं हैं वो इनके गुण तो भूल गई और मंगलसूत्र की एक कंपटीशन हो गया कि मेरा मंगलसूत्र सोने का कितना अच्छा और तेरा कैसा। इसके जो सूत्र नंबर 19 है वो इस प्रकार है आरती वीरति पापा। आरती वीरति पापा, आरती का मतलब है आरती, आरत रत जो रहते हैं, रत रहना जो होता है उसको बोलते हैं प्रेम या आसक्ति, यानी कि आप जब किसी चीज में रत रहते हैं तो प्रेम और आसक्ति हो गई, और आरती का मतलब है कि आप उसमें रत ना रहें। आरती का मतलब अनअटैच्ड रहें, अनासक्त रहें, और वीरति का मतलब है वीत रागी बने, यानी वीर वीत उसमें रत ना रहें, उससे विमुख रहें, वीर वीरति। तो आरती वीरति यानी कि जो आसक्ति है उससे दूर रहें, अनासक्त रहें, और वीरति का मतलब है उससे दूर रहें, जो जिसमें आप रत रहते हैं प्यार में, आसक्ति में। और पापा का मतलब है बहुत सारे पाप, जैसे बुद्धा का मतलब है बुद्ध, ऐसे पापा का मतलब पाप, यानी पाप से दूर रहें और उसमें आसक्त ना हो। तो पाप से दूर रहने के लिए जो परिवार पाप से दूर रहता है, पाप कर्मों से दूर रहता है, उसकी 100 बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ पाप है। जब भी आप मन में पाप लेके आएंगे, गलत काम लेके आएंगे, आपको बीमारी होगी ही होगी, आपको परेशानी होगी ही होगी, इसलिए पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, आरती रहना चाहिए और वीरति रहना चाहिए। यह है मंगल सूत्र नंबर 19। मंगल सूत्र नंबर 20 है मज्जपाना चे संयमो। मज्जपाना चे संयम, यानी कि चे माने और, मज्जपाना मतलब है मदपान से, और संयम माने दूर रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, उसमें रत नहीं रहना चाहिए। तो मद्यपान से दूर रहें, जो ऐसे जितने भी पीने की चीजें हैं जिनमें मद है, नशा है, नशीली चीजें हैं, उनसे दूर रहें। यह है महामंगल सूत्र का मोती नंबर 20। और 21 है अपमादो चे धम्मेसु। धम्मेसु का मतलब है धम्म में,
जो धम्म है, जो प्राकृतिक नियम है, जो भगवान बुद्ध ने धम्म सिखाए हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, उसमें अप्रमाद रहें, यानी कि उसमें रत ना रहें, अप्रमाद के साथ में धम्म को करें, प्रमाद के साथ में ना करें। प्रमाद का मतलब है कि आप आलस या आप ये कि आज करूंगा कल करूंगा या कोई बुराई या कोई पाप कर्म के साथ में ना करें, बिल्कुल विराग होकर करें, वीतराग होकर करें और बिल्कुल अलग तरह से उसको बिना किसी प्रमाद के उसे करें। यह है महामंगल सूत्र नंबर, वैसे इसको 7 बोलते सूत्र नंबर और टोटल ये आता है 19, 20, 21। इस प्रकार से आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतन मंगल उत्तमम्। यानी कि यह भी मंगलों में उत्तम है। अगर आप पाप से बिल्कुल विमुख रहते हैं, अनाशक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, मज्जपान में कोई संयम रखते हैं, कोई मद्यपान नहीं करते हैं और जो धम्म है धम्म के अंदर आप अप्रमाद से करते हैं, तो ये भी महामंगल सूत्र है। धन्यवाद। मंगल सूत्र जो हम उसके मनकों के बारे में, उसके मोती और उसके रत्न के बारे में आपको बता रहे हैं, तो यहाँ महामंगल सूत्र या मंगल सूत्र नंबर 8 है, जिसमें 22, 23, 24, 25 और 26 5 गुण उसमें दिए हुए हैं, 22 से लेकर 26 तक। 22वां जो ये जो सूत्र है, ये इस प्रकार है, 8वां सूत्र है, गार्वो च निवातो च संतुष्टि च कतुयता कालेन धम्म सवन एतं मंगल मुत्तमं। गार्वो चय का मतलब है कि गार्वो जो बोलते हैं वो बाद में शब्द बन गया गौरव, इसको गार्वो है, यानी कि गार्वो करना है। क्या गौरव करना है कि जो आपसे बड़े हैं, जो जानकारी में, यहां तक कि अगर छोटा भी कोई है, तो आपको उसे एक गौरव देना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, उनकी रिवरेंस देना है। तो गौरव आपको देना है, ये मंगल मुत्तमंग है, यानी मंगलों में उत्तम है कि आप जो भी व्यक्ति आए उसको आदर दें, सम्मान दें, तो वो भी आपको बदले में आदर और सम्मान देगा, भले चाहे वो छोटा है या बड़ा है। क्योंकि अगर आप किसी को आदर सम्मान नहीं देंगे तो बदले में आदर सम्मान मिलने का चांस बहुत कम है। सामने वाले कोई मजबूरी होगी, कोई आपसे छोटा होगा, कोई आपके नीचे काम करता होगा, आपकी फैक्ट्री में काम करता होगा या मजदूर होगा, या आपसे पैसा चाहिए था होगा उसे, या कोई शिक्षा चाहिए, उसके बाद भी वो बिना सम्मान के वहाँ बैठा रहेगा अपने काम के लिए, मगर आपको मन से सम्मान नहीं देगा। आप उसके चेहरे से, आंखों से देख सकते हैं। ये ठीक ऐसे है कि जैसे आप किसी रिक्शे वाले को ओए कह के बुलाएं, तो बेशक रिक्शे वाला आपको ले जाएगा, आपका आपसे पैसा भी लेगा, मगर आपको सम्मान नहीं देगा और बिल्कुल भी वो सम्मान उसके चेहरे पे कहीं आएगा नहीं, उसकी आवाज भी कर्कश होगी और वो बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करेगा, उसमें इमोशंस नहीं होंगे, उसमें प्यार नहीं होगा। यानी कि अगर वो जो रिक्शा है, अगर वो आके टकरा जाए या गिर जाए या घायल हो जाए, तो उसे कोई सहानुभूति अपनी सवारी से नहीं होगी, क्योंकि उसने जो शुरुआत की है वो अपमान के साथ की है, अपमान के साथ में बुलाया है, उसके चेहरे उसकी वाणी में अपमान है, ये बात रिक्शे वाले को पता चल जाती है। या अगर आपके यहाँ नौकर काम करते हैं और नौकर का, जैसे मैंने बाबू का आपको वीडियो बना के इसमें दिया हुआ है कि बाबू कैसा करता था, कि एक के यहाँ नौकर था और बाबू को वो लोग बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बुलाया करते थे और बाबू अपनी बदतमीजी का जवाब उनके चाय में, उनकी सब्जी में थूक मिलाकर या लेटिन करके आया, टट्टी करके आया तो हाथ नहीं धोए, आटा वैसे ही मार दिया, या क्या बोलते हैं जो गंदी चप्पल वगैरह हैं ऐसे ही उठा के और वैसे ही, या माथे पे पसीना आया तो वैसे ही पसीना लेके, वो कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि वो लोग उसको बहुत ज़्यादा गाली बकते थे। तो आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, अगर आप किसी को गौरव नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका नुकसान कभी ना कभी करेगा ही। ये है महामंगल सूत्र नंबर 22। 23वां है निपातो चय। निवातो चय का मतलब है निवात, वात माने क्या होता है, हवा, और निवात का मतलब है कि हवा नहीं, यानी निवात का मतलब हो गया कि आपने बिल्कुल शांत रहना है, कूल रहना है एकदम, जैसे हवा नहीं चल रही है, यानी जहां हवा नहीं चलती है वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। इसी तरह से आपने अपने मन के अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होने देनी है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सुनाता रहे, आपने निवातो रहना है, यानी निवात रहना है, बिना वात के रहना है, बिना हवा के रहना है। हवा नहीं चलनी चाहिए आपके अंदर, अगर हवा चली तो पत्ता हिलेगा, पत्ता हिलेगा तो सामने वाला तो पूरा पेड़ हिला रहा है, आपका पत्ता हिलेगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो
निवात रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, कूल रहना है, काम रहना है, पीसफुल रहना है। यह है महामंगल सूत्र का 23वां मोती। फिर है 24वां संतुष्टिचय। संतुष्टिचय का मतलब है तुट्ठी माने जो होता है, संस्कृत भाषा में तुट्ठी को बोलते हैं तुष्टि। आपने टीवी में बहुत सुना होगा कि देखो ये एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए ये काम कर रहे हैं, ये इसको तुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं, उसको तुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली तुट्ठी पाली का शब्द है, तुट्ठी से तुष्टि बना है, शय तो पाली में होता नहीं, तो तुट्ठी के लिए ये काम कर रहे हैं। तुट्ठी माने होता है प्रसन्नता के लिए, खुश करने के लिए। तो तुट्ठी के लिए अगर कोई, अगर मेरी तुट्ठी के लिए कोई काम करे और मुझे फोन करके कहे कि जी मैंने आपका ये कर दिया ये कर दिया, तो वो तुट्ठी के लिए काम हो गया। और से लगा देते हैं अगर पहले, तो से माने होता है निज यानी मेरा। सन तुट्ठी, से तुट्ठी का मतलब है सन तुट्ठी या संतुष्टि, यानी कि निज की प्रसन्नता के लिए काम करना। अब अपनी प्रसन्नता के लिए काम कैसे करना है, क्योंकि ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अपनी प्रसन्नता के लिए अगर काम करेंगे तो हम तो बहुत ज्यादा मतलबी हो गए। अगर हम मतलबी हो गए तो फिर ये तो गुण अच्छा रहा नहीं। अपनी संतुष्टि का मतलब यह है कि आपने जो काम किया है अगर वो आपको खुशी देता है तो इसका मतलब काम वो ठीक है, प्रसन्नता देता है तो। और अगर वो सबको प्रसन्नता देता है तो वो काम बिल्कुल ठीक है। आपने चोरी की तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। अगर आपने खाना नहीं बनाया, घर में काम नहीं किया, तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप जो काम कर रहे हैं आपने पूरी तरह से नहीं किया तो संतुष्टि नहीं होगी, यानी आपको खुद को प्रसन्नता नहीं होगी। आपने किसी को मारा तो आपको खुद को प्रसन्नता नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। तो आप अगर खराब काम करेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, और अगर आप सही काम करेंगे तो संतुष्टि होगी। तो इसलिए संतुष्टि आपको होना चाहिए, संतुष्टि तभी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे। यह है महामंगल सूत्र का जो रत्न है, मणि है, ज्वेल है, हीरा कह सकते हैं इसको या मोती कह सकते हैं, नंबर 24। और 25वां है कृतज्ञता। कृतज्ञता जो है उसको बोलते हैं कृतज्ञता, यानी कि पाली में कृतज्ञता बोलते हैं और संस्कृत भाषा में कृतज्ञता बोलते हैं। कृतज्ञता का मतलब है कत और यात, कत यात से बना हुआ है, यानी कत और ज्ञान, कत और जानकारी, यानी की हुई जानकारी, यानी जो काम हमने किया है उसकी जानकारी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने हमारे लिए कोई काम किया अच्छा, तो हमें वो काम याद रहना चाहिए, उसकी जानकारी रहनी चाहिए कि फलाने आदमी ने हमारे साथ में ये अच्छा काम किया था। तो ये कृतज्ञता हो गई, कत यानी कत ज्ञाता हो गई, कत ज्ञाता मतलब कृतज्ञता हो गई। तो हमें वो काम अगर याद रहेगा तो बदले में हम उसका आभार जताएंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उसके काम आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो उसने हमारे लिए काम किया है बदले में हम उसके लिए वो काम करें, ताकि हम उसका आभार चुका सकें या जो मदद हम कर सकें वो उसकी मदद हम करें। तो हमें अगर किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, और हो सके तो याद रखते हुए उसका आभार प्रकट करना चाहिए और बार बार उसका आभार प्रकट करना चाहिए। ये गुण होना चाहिए महामंगल सूत्र का, ये गुण नंबर है 25। और गुण नंबर 26 है कालेन धम्मसवनं। कालेन धम्मसवनं, कालेन का मतलब है समय अनुसार, काल के द्वारा यानी समय अनुसार, और धम्म सवन का मतलब है धम्म का सवर्ण करना चाहिए। सवर्ण क्या मतलब होता है, व्याख्या करनी चाहिए, यानी कि समय अनुसार समय समय पर धम्म की व्याख्या, धम्म की जो व्याख्या है, व्याख्या का मतलब है कि धम्म हमें ऐसा कहता है ऐसा करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, व्याख्यित करना चाहिए, उसकी आख्या करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए समय समय के अनुसार। यह है महामंगल मुत्तमंग, यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो ये सारे मंगलों में उत्तम मंगल हैं, महामंगल मुत्तमंग। और ये है महामंगल सूत्र का 8वां, और 26 टोटल पूरे हो गए आपके। धन्यवाद। महामंगल सूत्र नंबर 9, इसमें 27, 28, 29 और 30 चार मन के चार मोती, चार इसमें ज्वेल हैं, चार इसमें हीरे हैं। खंती चे सो वचस्ता समणा नंग चे दस्सनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगल मुत्तमं। खंती चे, खंती माने जो होता है पाली के अंदर, खंती माने क्षमा, फॉरगिवनेस, सॉरी। तो जो गुण है सबसे इंपॉर्टेंट वो है खंती का गुण होना चाहिए, क्षमा करने का गुण होना चाहिए। किसी सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करने का
फायदा क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्षमा करके क्या मिलेगा, किसी ने कोई गलती की और वो गलती सामने वाले ने की, आपको ने उसको देखा या नहीं देखा और सामने वाले ने उसकी क्षमा मांगी या नहीं मांगी, मगर आप उसको क्षमा कर दें। तीन तरह से क्षमा होती है, मन से, वचन से और कर्म से। आप तीनों तरह से उसको क्षमा कर दें, उससे सामने वाले को कुछ लाभ हो या ना हो मगर आपको जरूर लाभ होगा। क्या लाभ होगा? एक तो जो उसने काम खराब किया है या जो उसने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है वो आपके मन से डिलीट हो जाएगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा, आपके ब्रेन से, आपके प्रोसेसर से वो फाइल खत्म हो जाएगी। तो उसके जब वो बार बार दिमाग में नहीं आएगी तो आपके शरीर पे गुस्सा नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, जलन नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी, तो आप आराम से सोएंगे, तो शरीर आपका ठीक रहेगा, तो आपकी आयु लंबी होगी। आप जब किसी को क्षमा करके आएंगे तो घर तक पहुंचते पहुंचते आपको कोई गुस्सा नहीं रहेगा और कोई मन में बात भी नहीं रहेगी, तो घर का वातावरण भी ठीक रहेगा। या आप दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर में जाएंगे, या आप कहीं दुकान पे बैठे हैं, या आप खेत में हैं, खलियान में हैं, या आप मजदूरी कर रहे हैं, तो जब आपके मन शांत होगा तो आपके काम भी बढ़िया होंगे। अगर मान लो आपने क्षमा नहीं किया तो आप बड़बड़ाते रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, आप ईर्ष्या में रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप उद्विग्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई पर रहेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें शरीर की हाई पर रहेंगी, तो आपको नुकसान कहीं हो सकता है। इसलिए क्षमा करें। क्षमा करने का जो गुण है वो है 27 नंबर, और 28 का नंबर है सोवचस्सता। सोवचस्सता को जो पाली है उसको संस्कृत भाषा में आज्ञाकारिता बोलते हैं, यानी ओबीडियंस। आज्ञाकारिता का मतलब है कि आपको जो आज्ञा दी गई है, क्योंकि आज्ञा हमेशा बड़ों से दी जाती है, छोटे आज्ञा नहीं देते, छोटे तो रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, और जो बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब है जो जानकारी में बड़े हैं, या जो उम्र में बड़े हैं, या जो समझ में बड़े हैं, या जो आपके घर के हिसाब से, जो आपका घर में जो आपका रिश्ते का नाता है उसके हिसाब से बड़े हैं, या अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में काम करने वाले जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो बड़े हैं। तो बड़े जो कहते हैं, या काम करने में जहाँ जिन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है वो बड़े हैं, तो बड़े का मतलब है कि आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है। आज्ञा करने का पालन का मतलब ये नहीं है कि आपने आंख बंद करके बेवकूफों की तरह आज्ञा का पालन करना है, सही काम की आज्ञा का पालन करना है। भगवान बुद्ध के सभी संदेशों में एक सम्यक शब्द अंडरस्टूड है और छुपा हुआ होता है। कोई आपसे ये कहे बड़ा कि चाकू लो, सामने वाले के पेट में घुसेड़ दो, तो ये आज्ञा का पालन नहीं करना है। कभी आप कहो कि महामंगल सूत्र में तो लिखा था कि आज्ञा का पालन करना है और हमें तो आज्ञा मिली तो हमने तो चाकू घुसेड़ दिया या गोली मार दी, या बड़े किसी ने कहा कि शराब पी लो तो हमने शराब पी ली, या जुआ खेल लो या चोरी कर लो। भगवान बुद्ध ने सम्यक जितने भी कम्मंत हैं, यानी काम करने वाले जितने भी सम्यक काम है, सही काम है, उन्हीं के लिए हैं। सारी बातों में भगवान बुद्ध ने सम्यक शब्द जोड़ा हुआ है। उनका जो एट फोल्ड पाथ है, यानी कि जो आठ अंगों का पाथ है जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, सील समाधि प्रज्ञा, उसमें सारी चीजों में सम्यक लगा हुआ है। तो सम्यक को कहीं नहीं जाता, सम्यक को सम्मा भी बोलते हैं। सम्मा माने राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो आपने आज्ञा पालन करना है वो सही करना है, अगर गलत है तो मना कर देना है, बल्कि उसका विरोध भी करना है। उसके बाद आता है समणानं च दशनं। समणानं च दशनं का मतलब है जो समण है, समण का मतलब है समणी भी हो सकती है, समणा भी हो सकता है, यानी कि जो साधु हैं जिन्होंने पंचशील की मेहनत की है, या जो इस रास्ते पे चलते हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितने भी समण लोग हैं, समण लोग बहुत हो सकते हैं, जो पांचशील का पालन करते हैं, या जो शुद्ध हैं, या जो अच्छे हैं, या जो भिक्खु बन चुके हैं, या जो पहले भिक्खु भिक्खुनी बने हैं, उन सभी का दशन करना है। दशन का मतलब है कि उनकी शक्ल नहीं देखनी है, पूजा नहीं करनी है, दशन का मतलब यह है कि उनको देखना है, उनके आचार व्यवहार को देखना है, वो कैसे काम करते हैं उसको देखना है, वो कैसे चलते हैं उसको देखना है, उनकी दिनचर्या क्या है वो देखना है, जीवन का वो कैसे पालन करते हैं वो देखना है, उनका जीवन इतना सुखी क्यों है, शांत है, ये देखना है, इसको जांचना परखना, इसको दर्शन बोला है। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कोई आ गया, कोई भिक्खु आ गया, भिक्खुनी आ गया और आप उसका फोटो खींच रहे हो, देख रहे हैं, हमें तो महामंगल सूत्र में
29 नंबर पे ऐसा कहा था कि जो समणा है, जो साधु साध्वी है, उनको देखना है और आप लगे उनको टकटकी बांध के देखने, ऐसा नहीं देखना है। उनके चरित्र को देखना है, उनके करैक्टर को देखना है, उनके जीवन शैली को देखना है, उनके चलने को, उनको फिरने को देखना है, क्योंकि वो परफेक्ट लोग होते हैं, अपने आप को बिल्कुल ठीक कर चुके होते हैं। और महामंगल सूत्र का जो 30वां है वो है कालेन धम्म साकच्छा। कालेन धम्म साकच्छा का मतलब है कि कालेन माने समय अनुसार, समय समय पर और समय के द्वारा, और धम्म धमिक्षा का मतलब है धम्म साकच्छ का मतलब है, साकच्छ जो बोलते हैं उसको बोलते हैं चर्चा को, परिचर्चा को। तो धम्म साकच्छा का मतलब है धम्म की चर्चा करना समय समय के अनुसार, समय समय पर, कालेन धम्म साकच्छा, यानी कि धम्म की चर्चा परामर्श करते रहना है, आपस में जिक्र करते रहना है। इससे धम्म अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है, ठीक ऐसे जैसे पानी को अगर हिलाते रहेंगे आप तो पानी शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, पीने लायक रहेगा, और पानी को अगर आप हिलाएंगे नहीं तो कितना भी साफ पानी है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। इसलिए हिलता पानी, चलता पानी साफ रहता है। समुद्र इसलिए साफ रहते हैं सारे, बेशक इतने बड़े और गहरे हैं कि वो हिलते रहते हैं, उनमें लहरें आती रहती हैं और वो अपने आप को साफ करते रहते हैं। ऐसे धम्म की चर्चा और परिचर्चा अगर होती रहेगी तो धम्म में गंदगी नहीं आएगी, धम्म साफ होता रहेगा। धन्यवाद। मंगल सूत्र 10 और मनके और मोती जो इसके अंदर हैं, या जो इसके अंदर रत्न हैं, या ज्वेल हैं, या जो हीरे आप इसमें प्रो रहे हैं, टोटल मिला के 38 हैं, उसमें 31, 32, 33, 34 इस मंगल सूत्र नंबर 10 में है। 31, 32, 33, 34। तपो चे बही चर्य चे अर्य सच्चानं दसनं निब्बान सच्ची क्रिय चे ऐतंग मंगल मुत्तमं। तपो, तपो माने जो होता है, तप माने होता है वैसे तापमान, यानी कि टेम्परेचर, यानी गर्मी, मगर यहां जो तप आता है, तप का मतलब है तपो आप, यानी कि जैसे धूप में कोई बैठा हुआ तपता है तो उसे परेशानी होती है, वो कष्ट होता है, वैसे ही साधना में जो बैठता है उसको तपना बोलते हैं कि भाई तपो। कहते हैं कि जितना सोना तपेगा उतना निखार आएगा, ऐसे ही आप तपो, जितनी आप साधना करोगे उतनी ज्यादा आप शुद्ध हो जाओगे, उतने ज्यादा अच्छे हो जाओगे, उतना ज्यादा मन आपका अच्छा होगा। इसलिए तप करते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध के बाद में जो प्रक्रिया बनी और जो क्रिया बनी उसमें जो 12 पूर्णमासी होती हैं और 12 अमावस होती हैं और 12 अमावस होती हैं, तो 24 तो साल में दिन ये थे और 2 बार अठमी आती है, 24 अठमी, तो 48 दिन तो वो तपना होता था, और बीच में खास खास 8 और 9 दिन और आते हैं जब मौसम चेंज होता है, जिनको अठमी और नौमी बोलते हैं, तो 8-8 दिन ये या 9-9 दिन ये हो गए, कहीं 8 है कहीं 9 है। इसके अलावा जब जात लगाने जाते थे तो वहां विपश्यना साधना करते थे, या जब सेंटर में जाते थे, विहार में जाते थे, तो वहां साधना करते थे। इसके अलावा जो उपवास रखना चाहे उपवास रख सकता है। उपवास का मतलब है कि घर पे वास नहीं करना है, उपवास करना है, अब कहीं और जाके वास करना है, रहना है, तो बिहार में जाकर रहते थे, वहां साधना करते थे एक दिन की, उसको उपवास बोलते थे। तो ये सारी प्रक्रिया वहां तप की चलती रहती थी आम आदमी के लिए, और जो भिक्कू है वो तो 24 घंटे तपते थे, यानी 24 घंटे वो साधना में रहते थे, और भगवान बुद्ध तो 24 घंटे जब तक उन्हें बोधि प्राप्त हुई तब तक वो एक्सपायर हुए, यानी शरीर छोड़ा उन्होंने, तब तक वो 24 घंटे और पूरी जिंदगी तपते रहे, साधना में रहते थे, और जो अर्थ भिक्कू हो जाते हैं वो भी साधना में रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनको तपते रहना चाहिए, तपते रहने से वो शुद्ध होते रहेंगे, उनकी जो कमियां हैं वो निकलती रहेंगी। जो साधना करता रहता है उसके मन शुद्ध होते रहते हैं, जीवन बढ़िया चलता रहता है, घर अच्छा चलता रहता है। बहिचर्या, बहिचर्या चे, ये जो बहिचर्या शब्द है इसको कहीं कहीं ब्रह्मचर्या बोला गया है। आप पहले ब्रह्म में अंतर समझ लें, ब्रह्मचर्या और बहिचर्या क्या है, क्योंकि पाली का ओरिजिनल शब्द है बहि, और इसको ब्रह्म जोड़ा गया है, पाली में आधा रह नहीं होता, तो ब्रह्म से जितने शब्द हैं वो बाद में ऐसे के ऐसे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने बाद में इसको लिखा या बाद में ये कन्वर्ट किया उन्होंने इसमें आधा रह जोड़ा, ये कुछ ही शब्दों में है जो उन्होंने जोड़ा है। जैसे ये जो ब्रह्मचर्या है, बेसिकली ब्रह्मचर्या कोई चर्या नहीं है, बहिचर्या है। बहिचर्या का मतलब है कि जो आप जीवन में बाहर की तरफ चर्या करते हैं, एक चर्या तो आपके अंदर होगी शरीर में, जो आपके अंतचर्या है, जो आपके शरीर में मन में चलती रहती है,
एक बहिचर्या है जो बाहर की चर्या करते हैं, वो कैसी होती है? वो होती है आपके उठने की, बैठने की, खाने की, सोने की, बातचीत करने की, पढ़ाने की, पढ़ने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी के एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपकी बात की वाइब्रेशन, आपकी आंखों का हिलाना, आपके नाक का हिलाना, आपका गर्दन का हिलाना, आपका हाथ का हिलाना, आपका होंठ का बनाना, आपकी भ्रकुटी का तनना, आपके माथे पे बल पड़ने, आपकी गर्दन का हिलाना, ये सारे जितने भी आप सिंबल और साइन से बात करते हैं या जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, वो आता है बहिचर्या, यानी बाहर की चर्या है। इसमें मन आपके बाहर के प्रदर्शन करता है कि मन में क्या चल रहा है वो बाहर दिखाता है, तो इसको बहिचर्या बोलते हैं। इस बहिचर्या को ही गौतम चर्या बोलते हैं। गौतम चर्या का मतलब है गौचर भी बोलते हैं इसको। गौचर माने चलना होता है और गौ माने गौतम की तरह। बाद में गौ को गाय से संबंधित किया, जबकि गाय का पाली में नाम धेनु होता है, गाय नहीं होता, ना ही गौ होता है। तो गौ से संबंधित जितने भी हैं, यानी जितने भी शब्दों में पहले गौ लग गया, इसका मतलब पुराने पाली के गौतम से संबंधित है। तो गौचर क्या होता है? गौचर का मतलब है जैसे गौतम ने चर्या कर जीवन को चलाकर बोधि प्राप्त की है, गौतम का मार्ग हो गया, यानी जिस पे गौतम चले हैं, चर रहे हैं, वो गौतम का मार्ग हो गया जो उन्होंने बोधि बताने के लिए बताया है, उसको गौचर बोलते हैं, उसको गौचर्या बोलते हैं। तो ये बहिचर्या या गौतम चर्या या गौचर या गौतम का मार्ग या धम्म का मार्ग या निर्वाण का मार्ग, ये सब एक ही शब्द है। तो इस पे आपको चलना है। यह है महामंगल सूत्र नंबर 32 और 33 है अरिय सच्चान दर्शनं। अरिय सच्चान दर्शनं का मतलब है कि जो अरिय सच हैं उनको देखते रहिए, जानते रहिए। ये 33 नंबर का है मंगल सूत्र का, मन का अरिय सच को कैसे दर्शन करना है। चार तरह के अरिय सच बताए हैं। पहले तो अरिय समझ लिया क्या है। अरिय का मतलब है वो सच जो बिल्कुल ट्रुथ है, जो बदल नहीं सकते। दुख है नंबर एक, दुख का कारण है नंबर दो, दुख के कारण का निवारण है नंबर तीन, और नंबर चार दुख के कारण के निवारण का मार्ग है, रास्ता है। तीन तो आपको बहुत लोग बताएंगे, मगर मार्ग का जो रास्ता बताया है वो बुद्ध ने बताया, इसलिए चार सत्य यही मिलते हैं। इनको श्रेष्ठ या आर्य या नोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सत्य जानने के बाद में आप अच्छे होने के रास्ते पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये पहली शुरुआत है धम्म में। जो धम्म सीखेगा सबसे पहले वो चार बातें जान ले कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। अगर वो दुख को नहीं जानेगा तो दूर क्या करेगा? अगर वो दुख को नहीं समझेगा तो काम क्या करेगा धम्म में? अगर उसको ये नहीं पता कि उसे करना क्या है तो करेगा क्या? इसलिए धम्म में जब पहला कदम आदमी रखता है तो सबसे पहले उसे ये जानकारी दी जाती है कि ये काम करना है। दुख दूर करने के लिए काम हो रहा है, सुख आएगा। दुख जैसे दूर होगा सुख अंदर रहता है, जैसे ही दुख निकल के जाता है सुख आना शुरू हो जाता है। आपकी अगर किसी कटुता है तो जैसे ही कटुता खत्म होगी निर्मलता आ जाएगी। आपके मन में किसी चीज को चोरी करने का है तो जैसे चोरी का मन करेगा तो दुख आएगा, और जैसे ही आप उसको त्याग देंगे कि चोरी नहीं करनी है तो सुख अपने आप आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाता, वो शरीर में बाय बर्थ आता है। तो अरिय सच्चानंग दर्शनंग होता रहना चाहिए, इसको जानते रहना चाहिए। ये है मन का नंबर, मन का मतलब मोती नंबर 33। और 34 है निब्बान सच्ची क्रिय। सच्ची माने जो होता है साक्षात प्रत्यक्ष होता है, क्रिया माने कारण यानी करना, अनुभव करना। और निब्बान का मतलब होता है अमृत पद, यानी अमृत को छकने का आपने प्रत्यक्ष अनुभव करना है, यानी क्या करना है? निब्बान सच्ची क्रिया। सच्ची माने उसको सच्चाई से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना है, क्रिया माने अनुभव करना। किसको करना है? निब्बान को। निब्बान का मतलब है कि अमृत पद को। निब्बान स्टेप बाय स्टेप आता रहता है, जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे निब्बान आना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे अनुभव आपका अच्छा होता चला जाएगा। आपने अगर किसी से हिंसा की है तो हिंसा का अनुभव आएगा तो शरीर आपका जलेगा। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो आपका शरीर शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। अगर आप कहीं किसी व्यभिचार में जा रहे हैं या शराब पीने जा रहे हैं तो मन आपका व्याकुल हो जाएगा, और नहीं पियेंगे तो मन शांत रहेगा। अगर आपके मन में पाप कर्म आएगा तो बॉडी जलनी शुरू हो जाएगी, गर्म शुरू होनी शुरू हो जाएगी, और जब पाप कर्म का मन से निकल जाएगा तो बॉडी शांत हो जाएगी। ये प्राकृतिक नियम है, इसका अनुभव करते रहना चाहिए। ये है मन का नंबर, मोती नंबर 34, जो धम्म पद का बहुत ज्यादा बताया जाता है धम्मपद में भी, और महामंगल सूत्र का 10वां सूत्र है। धन्यवाद। मंगल सूत्र के जो आखिरी चार मोती हैं, जो मंगल सूत्र की जो गाथा है 11 नंबर, उसके अनुसार फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति
अशोकं विरजं खेमं ऐतं मंगल मुत्तमं। फुट्टस्य, फुट्टस्य का मतलब होता है लोक धम्मे ही। फुट्टस्य लोक धम्मे ही बहुत इंपॉर्टेंट मन का मोती है। ये 35 नंबर का मोती आपकी जो मंगल सूत्र है उसका है। फुट्टस्य धम्मे ही का मतलब होता है लोक धम्मे ही। लोक माने शरीर और धम्मे ही माने शरीर के जो नियम हैं, जो प्रकृति ने नियम बनाए शरीर के वो, और फुट्टे सी माने उनका स्पर्श। फुट बोलते हैं स्पर्श को बोलते हैं, यानी कि जैसे ही ये जो नियम आपको स्पर्श करते हैं शरीर में, कौन से नियम हैं? एक होता है यस और अपयस, यानी कि आपको यस मिल गया, आपका गुणगान हो गया, मान सम्मान मिल गया, और एक आपकी बेइज्जती हो गई, अपयस मिल गया। एक है लाभ और हानि, यानी कि आपका कुछ लाभ हो गया या आपकी कुछ हानि हो गई। एक है आपका निंदा या प्रशंसा, किसी ने आपकी निंदा कर दी या आपकी प्रशंसा कर दी। और एक है आपका या तो सुख आ गया या दुख आ गया, यानी सुख दुख निंदा प्रशंसा यश अपशप और लाभ और हानि। ये चार प्रकार की जो चीजें हैं ये पूरी जीवन भर मनुष्य के साथ में चलती रहती हैं, उसको टच करती रहती हैं, छूती रहती हैं, स्पर्श करती रहती हैं। ये हर समय चलती हैं, कहीं लाभ हुआ कहीं हानि हुई, कहीं यश हुआ कहीं अपयश हुआ, कहीं निंदा हुई कहीं प्रशंसा हो गई, कहीं पे थोड़ा सा कहीं सुख आ गया कहीं पे दुख आ गया। तो ये जब आपको टच करते रहते हैं तो इसमें आपको एक समान रहना है। ऐसा नहीं है कि लाभ आया तो पागल की तरह हंसना शुरू कर दिया और हानि हो गई तो पागल की तरह रोना शुरू कर दिया, यश हो गया तो फूल के कुप्पा हो गए, अपयश हो गया तो रोना शुरू कर दिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, या कहीं अगर किसी ने निंदा कर दी तो उसे बुरा मान के कभी बात नहीं की, और किसी ने प्रशंसा की तो उसी से चिपटे पड़े हैं। कहीं आपने को सुख आ गया तो आप लोटपोट हुए पड़े हैं, कहीं दुख आ गया तो पागल हो गए एक कमरे में बैठे हुए हैं। ये चारों जो गतियां हैं, आठ जो कारण हैं, ये जीवन भर साथ चलते रहते हैं। इसमें एक सा रहना चाहिए, ना सुख को सुख मानना चाहिए ना दुख को दुख। ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। ये है आपका मंगल सूत्र का 35वां मन का। अशोकं, अशोकं का मतलब है अशोक, शोक माने जो दुख में रहता है, संतप्त रहता है, सोरो में रहता है। तो दुख में नहीं रहना चाहिए, अशोकं होना चाहिए, हर चीज को समता से देखना चाहिए। तो अशोकं होना चाहिए जिसको शोक ना हो। यह है मन का नंबर 36। और विरजंग, विरजंग का मतलब है जो रज बोलते हैं उसको बोलते हैं धूल, और धूल के कण इसको रज बोलते हैं। और विरज का मतलब है बिना धूल के कण का, यानी कि कोई धूल का कण नहीं आना चाहिए, आपको हमेशा निर्मल रहना चाहिए, कोई भी आपके ऊपर मल नहीं आना चाहिए, आपके मन में कोई मल नहीं आना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, विरज होना चाहिए। रज माने धूल है और मल माने गंदगी है, यानी निर्मल का मतलब है बिना मैल का और विरज का मतलब है बिना धूल का। ये है मन का नंबर 37। और लास्ट 38 है खेमंग। खेमंग का मतलब है शांति को, यानी शांति से शांति को। तो खेमंग का मतलब है कि आपको शांत रहना चाहिए, बिल्कुल जीवन में कूल रहना चाहिए, समता से रहना चाहिए। ये 38 बातें जो जीवन में उतार लेगा, जो जीवन में धारण कर लेगा, जो जीवन में अपना लेगा, उसका हमेशा लाभ होगा। जो कि इस सूत्र में कहा है, जो मंगल मुत्तमंग का 12वां सूत्र है, ऐता दिशानी कतवान। ऐता दिशानी कतवान का मतलब है ऐसे इस दिशा में जो करेगा, सबत्तम पराजिता, वो सब तरफ से सर्वत से अपराजित रहेगा, यानी उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, चारों तरफ से अपराजित रहेगा। सबत सोती गच्छंती, चारों तरफ से सोती माने स्वस्थी, यानी लाभ होगा, कल्याण होगा, चारों तरफ से सर्वत उसका क्या होगा, कल्याण होगा। गच्छंती माने होता है। तंग तेसंग मंगल मुत्तमंग इति, यह जो करेगा उसका मंगल मुत्तमंग होगा, यानी मंगल में उत्तम होगा, मंगलों में सारा उत्तम है। ये मंगल सूत्र है आपने, ये 38 मोती आप हमेशा अपने साथ रखें, जीवन में आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं,
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। Shareenam Gacchami